थोड़ी धीमी लग रही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कार्यक्रम में हमारे बीच में जिनका आपने अभी संबोधन भी सुना, हिमाचल प्रदेश सरकार में हमारे वरिष्ठ मंत्री जिनके पास जल शक्ति, राजस्व, हॉर्टिकल्चर और सैनिक वेलफेयर का भी महकमा है, आदरणीय श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी, हमारे बीच में सरकाघाट के लोकप्रिय विधायक श्री कर्नल इंद्र सिंह जी, बल विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिन्होंने अपने क्षेत्र की बातें आपके सामने रखी, भाई इंद्र सिंह गांधी जी, नाचन विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री विनोद कुमार जी, दरंग विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री जुआ ठाकुर जी, मिल्क फेडरेशन के चेयरमैन श्री निहाचन शर्मा जी, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन श्री राजबली जी, जिला परिषद के अध्यक्ष श्री पाल वर्मा जी, पार्टी के हमारे सुंदरनगर जिला के अध्यक्ष भाई जरीफ जी, मंडल के अध्यक्ष श्री हेमपाल राणा जी, डिप्टी कमिश्नर मंडी अरिंदम चौधरी जी, एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री जी, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इनके साथ सभी वरिष्ठ विभागों के अन्य अधिकारीगण, पार्टी के हमारे साथी श्री बलदेव सैनी जी, मोहनलाल जोशी जी, स्थानीय पंचायत के प्रधान रामानंद जोगरा जी, हमारे युवा मोर्चा के साथी, महिला मोर्चा, एससी मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा के सभी जिला के मंडल के सभी सम्मानीय अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी, महिला मंडलों के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि और यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रों और उपस्थित सभी भाई और बहन, आज बल विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर से आपके बीच में आना हुआ है और यहाँ आने में हमारा विलंब हुआ, यहाँ तो धूप लगी हुई थी लेकिन शिमला में मौसम बहुत खराब था और ऐसे भी हालात बन रहे थे कि जिस प्रकार की धुंध थी, हम ये सोच रहे थे कि अगर ऐसे ही रहा तो बल में पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मौसम ने साथ दिया, क्योंकि दिल से इच्छा थी आप सब की कि हम पहुंचे हैं, आप सब के दर्शन कर पाए और आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबके बीच में यहां पर पहुंचा। आप सब ने गर्मजोशी के साथ स्वागत अभिनंदन किया, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं यहां पर देख रहा हूं मेरी दाईं तरफ एक दीवार खड़ी है जिस दीवार पर शिला पट्टिकाएं लगी है और बल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुझे लगता कि शायद ये पहला अवसर होगा जब एक साथ एक समय पर एक जगह 17 शिला पट्टिकाएं यहां पर लगी हुई हैं। 8 जिसमें उद्घाटन है और 9 जिसमें शिलान्यास है और अभी इसके बाद हमको
रिवाल्सर भी जाना है, अगर हम सारा योग करें सभी योजनाओं का, 172 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम यहां पर हो रहे हैं और उसके अतिरिक्त 80 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास अभी जाकर के रिवाल्सर में होने हैं। अगर सबको योग किया जाए, सबका जमा किया जाए, 291 करोड़ रुपए आज बल विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हम समर्पित करें। एक एक योजना का जिक्र करूं तो बहुत लंबा वक्त लगेगा, इसलिए मैं आपसे ही कहूंगा कि आप जब जाएंगे यहां से इस कार्यक्रम के समापन के बाद, ये शिला पटिकाएं आप पढ़ते हो जाए, कहां कहां क्या क्या हुआ, कहां उद्घाटन हुआ, कहां शिलान्यास हुआ। बल विधानसभा क्षेत्र हमारा ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो बहुत उपजाऊ है, मिट्टी के हिसाब से भी देखें यहां फसल बहुत होती है और एक तरह का इसको हिमाचल का पंजाब जिसको, जहां हमको हर मौसम में सब्जियां, सब्जियों के अतिरिक्त गंदम, गंदम के अतिरिक्त मक्की, कृषि के हिसाब से अगर मैं कहूंगा, अगर पूरे मंडी जिला में अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर फसल कहीं होती है और किसानों को फिर उससे आय का एक जरिया मिलता है तो वो बल विधानसभा क्षेत्र है, जहां आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और उस परिश्रम से अपना ही नहीं हिमाचल प्रदेश को अपना सहयोग देते हैं। बल विधानसभा क्षेत्र में हम काफी अच्छे से विकास के लिए गति देने की कोशिश करते रहे। जब से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बल विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ करने की हमारी मंशा रही है, कुछ ना कुछ हम करते रहे। और मैं तो यहां तक कहूंगा बल विधानसभा क्षेत्र की जमीन पर अगर ये मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात कहें, जरा याद करो उस वक्त भी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अलग अलग जगह से इस बात को लेकर के EIC का ये जो मेडिकल कॉलेज आमतौर पर उस क्षेत्र में खोला जाता है जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया होता है, जहां बड़े बड़े उद्योग लगे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद मंडी जिले में बहुत लंबे समय से, क्योंकि कांगड़ा के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला मंडी, शिमला में मेडिकल कॉलेज IGMC बहुत पुराने समय से काम कर रहा है, कांगड़ा जो सबसे बड़ा जिला प्रदेश का, वहां पर टांडा मेडिकल कॉलेज है, मंडी में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इस बात को लेकर के हम सबकी एक भावना। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस वक्त में पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष था और बिंदल जी स्वास्थ्य मंत्री थे उस वक्त हिमाचल प्रदेश। जब इस विषय की भनक हम तक पहुंचे तो हमने मुख्यमंत्री के समक्ष उस बात पर जिक्र किया
कि मंडी में मेडिकल कॉलेज का मुद्दा बहुत जोर से पकड़ा हुआ है, कुछ लोग धरने करते हैं, कुछ प्रदर्शन करते हैं, कुछ कई तरह की बातें कहते हैं। ऐसी हालत में अगर ये ईएसआईसी का मेडिकल कॉलेज अगर हिमाचल प्रदेश में कहीं खोलने की अगर बात आई है तो ये मंडी जिला में खुलना चाहिए। जमीन की तलाश शुरू हुई और यहां नेर चौक के पास जमीन देखी गई और ये निर्णय हुआ कि मेडिकल कॉलेज ईआईसी का जो हमारा जो है यहां मंडी के अंदर नेर चौक में खोलने का निर्णय। ठीक है, कई लोग कई तरह की बातें कहते हैं। केंद्र में सरकार उस वक्त दूसरी पार्टी की थी, लेकिन प्रदेश के अंदर कौन सी चीज कहां होनी चाहिए वो केंद्र नहीं तय करता है। केंद्र सिर्फ संस्थान तय करता है कि हम हिमाचल प्रदेश के लिए ये देना चाहते हैं और उसके बाद आगे का निर्णय प्रदेश सरकार को करना होता है। और उस वक्त इस निर्णय को करने में हमारी भी भूमिका रही, क्योंकि हमने भी बड़े जोर से कहा मुख्यमंत्री जी के समक्ष, तो मंडी के मेडिकल कॉलेज ये मंडी में होना चाहिए, ये मेडिकल कॉलेज जो है मंडी में होना चाहिए, मंडी में खुलना चाहिए। और आज हमारे लिए खुशी की बात है कि उत्तर भारत में अगर मेडिकल कॉलेज की अगर नए इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात कहें, नया मेडिकल कॉलेज जहां बिल्डिंग के साथ इक्विपमेंट की अगर बात कहें, सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में से आपका हमारा नेर चौक मेडिकल कॉलेज। और उसके बाद आगे बढ़कर के आज भी अगर वर्तमान में हमारी सरकार कई वर्षों से हम एक बात को कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में एनडीआरएफ की आपका हमारे लिए बटालियन मिलने चाहिए। मुझसे पहले वीरभद्र सिंह जी रहे, मुझसे पहले धूमल जी रहे, शांताजीत रहे, सब लोगों सब आज से पहले मुख्यमंत्री ने बात करते रहे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो भौगोलिक दृष्टि से बहुत कठिन है और यहां हादसे जब होते हैं तो यहां तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बहुत देर हो जाती है। तो इसलिए एनडीआरएफ की एक बटालियन हिमाचल के अंदर होनी चाहिए, चाहे वो किन्नौर के पहाड़ दर्दते हैं, दर्जनों लोगों की जान चले जाती है, चाहे लाहौल स्पीति में घटना होती है, चाहे कुल्लू में घटना होती है, मनाली में घटना होती है, कहीं भी घटना होती है, कांगड़ा में होती है, तो हमारे लिए एनडीआरएफ की बटालियन जो है कहां से मूव होती थी, या तो पंजाब से मूव होती थी या हरियाणा से मूव होती थी और उसको पहुंचने के लिए कई दिन लग जाते थे, कई घंटे लग जाते थे। अब की बार हमने सारी बात को लेकर के गृहमंत्री के समक्ष बड़े जोरदार ढंग से बात कही। हमने कहा आपको चाहिए और हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार के हालात रहे, ये घटनाओं का क्रम रुकने वाला नहीं है, ये आने वाले समय में भी हो सकता है चलता रहे। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और गृहमंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, हमारी बात मानी गई, हमारी बात सुनी गई और हिमाचल के लिए एक एनडीआरएफ की बटालियन जो है उन्हें स्वीकृत की। फिर जगह की तलाश हुई, कहां खोला जाए, इधर खोला जाए, उधर खोला जाए, सब जगह से आग्रह आया, लेकिन हमने एक बात देखी कि हमारा सबसे केंद्र, पूरे प्रदेश का केंद्र, जहां जहां से डिस्टेंस के हिसाब से सब जगह आसानी से पहुंचा जा सकता है, वो हमारा मंडी है और मंडी में भी बन विधानसभा क्षेत्र है। और इसलिए बहना के करीब जो है हमने उसके लिए 300 बीघा जमीन तलाश की और जब 300 बीघा जमीन तलाश होने के बाद फॉरेस्ट की क्लियरेंस जैसे ही होगी तो एक बहुत बड़ी बटालियन जिसमें जो है वो लगभग जो है वो 1000 के लगभग जवान जो है वो यहाँ आपके बीच में यहाँ पर रहेंगे। अपनी पूरी एक जो है बटालियन जब होगी तो हिमाचल प्रदेश में कहीं भी अगर दुखद घटना होगी तो बटालियन के लोगों को वहां पर पहुंचाने के लिए हमको सुविधा होगी। और इससे आगे अगर बढ़े, हम आगे बढ़े, मुझे मालूम नहीं बल के लोग कितना सुनते हैं, कितना मानते हैं हमारी बातों को, ये बातें बाद में पता लगेंगी। हमने केंद्र के समक्ष एक बात कही,
हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी मुश्किल हमारी यह है कि दुनिया का टूरिस्ट आना चाहता है, देखना चाहता है, घूमना चाहता है, लेकिन सड़क मार्ग से पहुंचते पहुंचते मनाली शिमला धर्मशाला पहुंचते पहुंचते उसकी हालत खराब हो जाती है। हमने कहा इसलिए कि छोटे छोटे एयरपोर्ट से नहीं चल सकता है, हमें बड़ा एयरपोर्ट चाहिए हिमाचल के अंदर। और कहा हिमाचल के अंदर एयरपोर्ट बनाना है तो कहां बनाया जा सकता है, तो हमने शुरुआत की जमीन की तलाश की, और वो जमीन भी अगर हमने तलाशी है तो आपके बल विधानसभा क्षेत्र के अंदर। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कई लोग कई तरह की बातें कहने लगे लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि जो हमने तय किया हमारी इच्छा है, ये राजनीति आती रहेगी जाती रहेगी, सरकारें बनती रहेंगी बिगड़ती रहेंगी, ये दौर चले रहेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ा एयरपोर्ट ये हमारा एक सपना है। वो सपना भी हमने बल के लोगों के सपने के लिए साकार करने के लिए समर्पित किया। आज हमने ओएलएस सर्वे कर लिया, आज इसका लीडर सर्वे जो होता है उस सर्वे की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली, कुछ औपचारिकताएं और रहती हैं, आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे। और यहां तक कि हम इसके लिए कहां तक लड़े, तो हमारा नेशनल फाइनेंस कमीशन हिमाचल प्रदेश आता है, दो दिन की बैठक होती है फाइनेंस कमीशन की हमारे साथ, और हम एक ही बात कहते रहे कि हमें हिमाचल के लिए एयरपोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, और एयरपोर्ट के लिए आप उसका बजट में प्रावधान करें। फाइनेंस कमीशन ने रिपोर्ट सौंपी और मुझे इस बात की खुशी है जो रिपोर्ट तो केंद्र सरकार को सौंपी, जिसको केंद्र सरकार के समक्ष रखा गया लोकसभा और राज्यसभा में, उसमें उस बात का उन्हें जिक्र किया है कि हिमाचल प्रदेश में सही मायने में जो मुख्यमंत्री ने जो मांग की है कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए एयरपोर्ट की, बड़े एयरपोर्ट की जरूरत है। और बल के जो एयरपोर्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो मंडी में जो बनने वाला है, बल में जो बनने वाला है, उसके लिए उन्होंने 1000 करोड़ 1000 करोड़ रुपए की रिकमेंडेशन केंद्र सरकार, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। लोग कई तरह की बातें कहते रहेंगे और कहेंगे, हाँ हमने कहा कि कांगड़ा का एयरपोर्ट उसको लंबा करना चाहिए, बड़ा करना चाहिए, 400 करोड़ रुपए उसके लिए भी उन्होंने रिकमेंड किया। और आज भी अगर मैं दिल्ली जाता हूं तो दिल्ली जाकर के मैं जब प्रधानमंत्री जी से मिलता हूं, गृह मंत्री जी से मिलता हूं, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलता हूं, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि मेरा एयरपोर्ट जो है उसका काम जल्दी शुरू होना चाहिए। एक सपना है हमारा, तस्वीर बदल जाएगी, आपको कहूं बल की नहीं, मैं कह सकता हूं हिमाचल की बदल जाएगी। और मैं देख रहा हूं कुछ लोग उसका भी समर्थन करने में जो है वो विरोध कर रहे हैं। मैं मानता हूं जमीन से प्यारी कोई चीज नहीं होती, लेकिन जिनकी जमीन जाएगी उनको उस जमीन उनको बसाने की जिम्मेवारी सरकार लेगी, उसके ऑल्टरनेटिव व्यवस्था की जाएगी। जब लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस होगा, जमीन का पैसा मिलेगा, उस पैसे से आप अलग जगह बस सकते हैं, अलग जगह जाकर के आपका काम कर सकते हैं। और हमारी कोशिश है कि सारा ये प्रोजेक्ट हमारा, एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट हमारा जल्दी शुरू हो, इस बात के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, इस बात के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी हमारे कई मित्र बोलते हैं कि क्या हुआ, जो कांग्रेस पार्टी इतने लंबे समय तक सत्ता में रही, सरकार में रही, उनसे पूछिए किस प्रकार के काम एनडीआरएफ आपके समय में भी आप कहते थे, लेकिन एनडीआरएफ क्या स्वीकृत हुई? एयरपोर्ट की बातें करते थे, एयरपोर्ट होना चाहिए, कहां होना चाहिए, भाषण तो कही देते थे, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कहां होना चाहिए, हमने कहा यहां होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में
आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने बार बार हम इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि भी जल्दी आए हिमाचल प्रदेश में और हमारे इस एयरपोर्ट के लिए अपनी अपना आशीष हमको दें ताकि हम आगे बढ़ करके काम कर सकें। भाइयों बहनों, मैं बहुत ज्यादा लंबा बोलूं वो उचित नहीं, क्योंकि इसके बाद और भी सभा है। ये भाई विधानसभा क्षेत्र विकास की दृष्टि से और उन क्षेत्रों में से मैं तो सोचता हूं कि काश ऐसा क्षेत्र मेरा होता, सुबह गाड़ी में बैठ करके शाम तक सारे के सारे मतदान केंद्र सारे पोलिंग बूथ कवर हो जाते हैं। मैं अगर अपने क्षेत्र में टूर पे जाता हूं तो दो या तीन पोलिंग बूथ कवर होते हैं। और ऐसा क्षेत्र जो बिल्कुल छोटा और उसके बाद बिल्कुल जुड़ा हुआ क्षेत्र है और विकास में बल विधानसभा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि 2017 के चुनाव में आपने जहां से भारतीय जनता पार्टी की विजय कराई, विजय करवाने के बाद जहां से हम अपने विधायक जो है वो इंदर सिंह गांधी, एक गांधी हमारे पास एक ही गांधी है, वो एक ही एक गांधी को शिमला पहुंचा। लेकिन ये भी बात आपको मान के चलना पड़ेगा कि आने वाले समय में हमको यहां इस विधानसभा क्षेत्र को फिर से जीतना है। 2022 में आपकी जरूरत फिर से होगी, आपका आशीर्वाद चाहिए। हिमाचल प्रदेश में सरकार फिर से सत्ता में लाने के लिए ये जरूरी है, मंडी 10/10 होना चाहिए। शुरुआत यहां से होगी, तभी जाकर के हिमाचल प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। इसलिए हमारे सहयोग में कभी कमी नहीं रहनी चाहिए। आप सबका सहयोग मिला, हम लोकसभा का चुनाव जीते और रिकॉर्ड वोटों से जीते, इतने वोटों से जीते जितने आज से पहले कभी नहीं जीते थे। आज भाई रामस्वरूप जी हमारे बीच में नहीं है, छोटी काशी के नाते उनने मंडी की एक अलग पहचान बनाई। बड़ी काशी के सांसद आदरणीय मोदी जी छोटी काशी के सांसद रामस्वरूप शर्मा जी ऐसा बोलते थे। और इस विधानसभा इस लोकसभा क्षेत्र से बड़े बड़े चुनाव लड़े, बड़े बड़े नेता चुनाव लड़े। वीरभद्र सिंह जी लड़े, सुखराम जी लड़े, महेश्वर सिंह जी जीते, प्रतिभा सिंह जी लड़ी या वो भी जीती। लेकिन 4,05,000 वोट से जीतने वाला रामस्वरूप शर्मा जी आज तक कोई आगे तक भी नहीं पहुंच पाए। और उसके लिए स्वाभाविक रूप से मोदी जी के नाम की भी लहर थी, लेकिन मंडी के लोगों ने इस बात को भी अनुभव किया कि वर्षों के बाद एक अवसर मंडी के इस जिले को मिला है, इस रूप में मिला है। हमें सम्मान को कायम रखना है, मजबूत रखना है, इसलिए मंडी के लोगों ने पूरा साथ दिया, सहयोग दिया। और कई बार मैं इस बात को कहता हूं, कई बार काम से ज्यादा स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई होती है, और ये दौर ऐसा है, मैं इस बात को कह रहा हूं। और आज मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, आने वाले समय में आएंगे और लोग आएंगे, लेकिन एक संदेश देना पड़ेगा, ये मंडी हमारी थी, ये मंडी हमारी है, ये मंडी हमारी ही रहेगी। ये संदेश जाना चाहिए आप, और इसलिए जाना चाहिए, अगर आप लंबे समय तक की बातें कर रहे हैं, अठारू महेंद्र सिंह जी बात कर रहे थे, अगर हिमाचल प्रदेश में लंबे समय तक के उस सफर का साथी बनना है तो मजबूत कदम के साथ आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। इधर उधर की बातें, यहां दाएं बाएं की बातें देखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सामने चलिए और उस लक्ष्य को हासिल करके छोड़ेंगे। मैं इस बात को मैं कह सकता हूं, हिमाचल में आपके बाद ये इतिहास होने वाला है, भाजपा के बाद फिर भाजपा की सरकार होने वाली है।
कुछ लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है, कभी मैं दिल्ली जाता हूं तो उस पर मैं टिप्पणियां करते रहते हैं। हां दिल्ली जाता हूं, मैं नेताओं से मिलता हूं, हिमाचल के काम के लिए जाता हूं और पिछले 4 वर्षों से जा रहा हूं, आने वाले समय में भी जाता रहूंगा। और ये कहानियां मैं तब से सुन रहा हूं जब से मुझे 3 महीने हुए थे हिमाचल प्रदेश में सरकार ने आए, इस गीत को सुनते हुए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल चट्टान के तरह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, हर परीक्षा में उसने साथ दिया है और हमको मंडी वालों को और भी ज्यादा मजबूती के साथ उसने आगे बढ़कर के साथ दिया। मैं देख रहा था वाली विधानसभा क्षेत्र में विकास की अगर बात करें, अब गांधी जी लगातार बोले जा रहे थे ये भी दो ये तो बात कर रहे, लेकिन पहले इसका जिक्र होना चाहिए ना जो किया। वो हम ये जिक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तुमने बनाया एक फोल्डर बनाया, वो अच्छा सुंदर फोल्डर बनाया, पढ़िए उसको, उसमें एक एक चीज का जिक्र है। मेरे पास पीडब्ल्यू महकमा है और अभी हाल ही कुछ दिनों में जो नाबार्ड की सैंक्शन अगर स्वीकृत की है, जो हमने केंद्र से स्वीकृत करके लाए हैं, उसमें 43,64,00,000 रुपए जो है आपके इस विधानसभा क्षेत्र की सड़कों के लिए, 7 सड़कें हैं उसमें। एक सड़क बागर ठोल मोटला करेड़ी वो पैड़ी दरवान, 5 करोड़ रुपए उस सड़क के लिए सब किया अभी नाबार्ड के अंतर्गत। यहां पर 5 करोड़ के लिए 5 लोग नेता मिल जाए, जमाना कितना बदल गया। हमारे जमाने में जब 5 करोड़ उस वक्त होता था जब हम विधायक होते थे और हम बोलते थे 5 करोड़, हम बोलते थे खड़े उठते थे भाई गाड़ी दाओ, 5 करोड़ रुपए बड़ा भारी होता था उस जमाने। और उसके अलावा देखिए आप चंडियाल पिपली कथवाड़ी कांडी तारापुर खारसी मनसे माता मंदिर डोला टिक्कर को पक्का करने के लिए जो है 12 करोड़ रुपए 11 करोड़ 95 लाख रुपए। तीसरी सड़क है हमारी लखवान डहनू बंसोटा रठौर अंदरेटा मैरम सीट और इस सड़क का काम करने के लिए 6 करोड़ रुपए आपको सौंपी नाबार्ड के अंतर्गत। और उसके आगे गजनोहा पैड़ी बाया क्यार सकड़ोल इस सड़क को पक्का करने के लिए 3,55,00,000 रुपए जो है नाबार्ड के अंतर्गत सब कुछ किया गया। पांचवी सड़क है आपकी रिगढ़ खिवरी बाया बंगलू सड़क 5,34,00,000 रुपए जो है उसके लिए स्वीकृत किया गया। सकरोहा नैना माता मंदिर पिपड़ी नडौल कसोड़ा मलवाना सड़क के लिए 8,33,00,000 रुपए उसके लिए स्वीकृत किया गया। और उसके बाद जो सातवीं सड़क है देवडापुर चजवान खाबू पंचायत घर दूसरा खाबू से दरब्यास ये रिवासर बड़े इलाके में आया 3.5 करोड़ रुपए उसके लिए जमीन किया। और कुल मिलाकर के जो है आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 44 करोड़ रुपए जो है नाबार्ड के अंतर्गत संचित हुआ है, ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। अभी कोविड का दौर था वो दौर समाप्त
होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन खत्म नहीं हुआ अभी, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में अब खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि वैक्सीन में हमने पूरे देश भर में पहला स्थान किया हिमाचल प्रदेश ने, प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल से जुड़ करके वर्चुअली दिल्ली से जुड़ करके तो हिमाचल के लोगों को बधाई दी। डॉक्टर पैरामेडिकल हमारे आशा वर्कर्स हमारे सारे हेल्थ वर्कर्स सबको बधाई दी, हिमाचल की जनता को बधाई दी। लेकिन बाद में जब कैबिनेट की बैठक हुई तो कैबिनेट की बैठक में भी इस बात का जिक्र किया कि हिमाचल जैसे प्रदेश जहां भौगोलिक दृष्टि से कठिनाई है मुश्किल है उस प्रदेश ने वैक्सीन के मामले की फर्स्ट डोज को पूरा करने के लिए पहला स्थान पूरे देश भर में हासिल किया। कहां जाकर के बड़ा बंगाल में हमने हेलीकॉप्टर में जाकर के वैक्सीन पहुंचाई, कहां जाकर के मलाना में जाकर के वैक्सीन पहुंचाई, 6 घंटे का सफर करने के बाद डीसी और सारे मेडिकल डिपार्टमेंट के अधिकारी को वहां जाने के लिए कहा, देवता से परमिशन लेना क्योंकि वहां पर देवता जगदम्बनी है, जब तक जगदम्बनी ऋषि जी की वहां पर अनुमति नहीं होती तो मलाना में कुछ नहीं हो सकता। देवता से अनुमति ली और वहां पर वैक्सीनेशन कराई, 1150 लोगों को वैक्सीनेशन कराया। लाहौर का एक एक गांव, पूरे हिमाचल प्रदेश में पहला जिला कांगड़ा, जिला लाहौर है, ट्राइबल का इलाका, लेकिन सबसे पहले वो कवर हुआ 100% डोज करके कंप्लीट। और यहां भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने पहली डोज तो सबने लगा दी है, हाथ खड़ा करो जरा, कोई रहा तो भाई तुरंत जाए। और दूसरी डोज के लिए जो आपको तारीख तय होगी उसमें निश्चित रूप से आप वहां पर जाकर के वैक्सीन करवा दें, यही एक रास्ता है इस कोविड से बचने का, बचाओ। हिमाचल प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से जहां हमारी सरकार है हमने एक नहीं अनेक सारी योजनाएं शुरू की हैं, अगर मैं योजनाओं का वक्त लगेगा उसमें मुझे लगता है कि अगला कार्यक्रम हमारा देर हो रहा है। हमने हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया, 3,20,000 गैस के चूल्हे, 3,20,000 गैस के चूल्हे घर घर में पहुंचाए, और पूरे देश भर में हिमाचल पहला प्रदेश है जहां हर घर में गैस का चूल्हा है। बुजुर्गों को पेंशन 70 साल के ऊपर सबको लगा दिया हमने, और माताएं जो हमारी हमने कहा कि वो हमसे ज्यादा काम करती हैं इसलिए उनके लिए हमने कहा 65 वर्ष के ऊपर के जितने भी हमारी माताएं हैं सबको पेंशन का प्रावधान करने का हमने इंतजाम किया। गरीब आदमी के इलाज के लिए हिम केयर की शुरुआत की, 1,75,000 गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया, और आप कल्पना करिए इतने वक्त से देश में प्रदेश में सरकार चल रही लेकिन गरीब आदमी का मुफ्त में इलाज करने का कोई प्रावधान नहीं। कई बार वो गरीब आदमी अपना इलाज बीच में आधा अधूरा छोड़ करके, क्योंकि जब पैसा उसके पास नहीं बचता है तो वो घर चले जाता है और चीख पुकार के बीच में उसकी जिंदगी जो है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि बीमारी उसको घेर लेती है और वो अपना इलाज पैसे की कमी के कारण कर नहीं पाता। हमने कहा ऐसे गरीब लोगों के इलाज के लिए मदद करनी चाहिए, हमने हिम केयर की शुरुआत की, 1,75,000 गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करके हमने उनको स्वस्थ करके घर भेजा। आज हम हिमाचल प्रदेश में स्टेट फूड के 50 वर्ष मना रहे, लेकिन 50 वर्षों में इस बात को लेकर के कभी किसी सरकार में चेतन नहीं आया, कभी सोचना नहीं हुआ कि गरीब आदमी का इलाज होना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, हमने करी। और आगे बढ़कर के हमने उन लोगों के लिए भी मदद का रास्ता निकाला जो ऐसे लोग हैं जो चल नहीं सकते हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी को ब्रेन हैमरेज हो गया, किसी की एक्सीडेंट के कारण जो है स्पाइनल कॉर्ड चले गई, टांगे नहीं चल रही हैं, किसी को कैंसर का पेशेंट हो गया, जब तक जिंदा है तब तक इलाज चलेगा। और यहां पर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, पंचायत को हमारे जो चुने वो प्रतिनिधि
आपकी पंचायत में कोई भी अगर ऐसा आदमी मिलता है जो इन बीमारियों से ग्रसित है, जैसे आंख से ब्लाइंड है, 100% ब्लाइंड है, चल नहीं सकता है, किसी की मदद की जरूरत पड़ती है, ये सब के लिए हमने मुख्यमंत्री सहारा योजना की शुरुआत की है। और सहारा योजना के अंतर्गत ऐसे जितने भी लोग हैं उनके लिए जो है 3,000 रुपए हर महीने का उनके खाते में डाल करके मदद कर रही है। सरकारी द्वार से पहले भी बहुत रही, लेकिन कभी किसी सरकार ने ऐसे लोगों के लिए नहीं सोचा। ऐसी बहुत सारी योजनाएं, अब नई योजना की हमने शुरुआत की है कि जो बेटियां गरीब है, बीपीएल परिवार की है, चाहे वो अनुसूचित जाति से है, चाहे वो हमारे ट्राइबल से है, चाहे वो ओबीसी से है, चाहे वो जनरल कैटेगरी से है, लेकिन गरीब है। हमने कहा बीपीएल परिवार की बेटी की जिस दिन शादी हो गई, उस दिन शादी के दिन जो है हमने सरकार की ओर से एक योजना शुरू की, शगुन योजना, मुख्यमंत्री शगुन योजना। और उस योजना के अंतर्गत उस बेटी के खाते में 31,000 रुपए हम सरकार की ओर से। मैं इसलिए बात को कह रहा हूं, जो पंचायत के चुने वो खत्म, कई जगह मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात को लेकर। उनकी पंचायत के अंतर्गत हमारे ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो सहारा योजना के अंतर्गत आ सकते हैं, लेकिन पंचायत का प्रधान वहां पर गया नहीं, वार्ड मेंबर गया नहीं। ये काम आपके जिम्मे है, उसे मदद करिए, पुण्य मिलेगा आपको। बोर्ड की राजनीति होती रहेगी, कौन किसका समर्थन है, किसका समर्थन नहीं है, ये सारी बातें छोड़ देनी चाहिए। गरीब आदमी की मदद करने के लिए आगे बढ़िए। इसलिए मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूं, जो इन 3.5 वर्ष के कार्यकाल में हम कर सकते थे वो हमने करने की कोशिश। मुश्किल हमारे लिए यह रही कि बाकी मुख्यमंत्री के दौरान जो है ये कोरोना नहीं आया, ये हमारे टाइम में आया, और हमारे टाइम में आया तो बाकी मुख्यमंत्री को ऐसे संकट के दौर में से गुजरने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ी, हमको ऐसे संकट के दौर में से गुजरने की ये पड़ी। लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते रहे, और आज मुझे इस बात की खुशी है कि लड़ाई पूरे देश ने लड़ी, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, जहां भारत में पीपी किट नहीं बनती थी, आज 15 लाख पीपी किट एक दिन में भारत में बन करके भारत के लोगों के लिए और भारत के बाहर भी दूसरे देश के लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई। जो हमसे ये वेंटिलेटर हमसे बातें करते हैं कोरोना के कारण, आपके नेता भी यहां से कई बार भाषण देने की कोशिश करते हैं, कई बातें कहते हैं, उन महानुभाव से पूछना चाहिए, आप जब से हिमाचल अस्तित्व में आया उसमें से 30 वर्ष से ज्यादा समय तक आपने शासन किया, कितने ऑक्सीजन के प्लांट हिमाचल प्रदेश में लगे हुए थे? 2 ऑक्सीजन के प्लांट एक आईजीएमसी शिमला में लगा होता, एक कांडा मेडिकल कॉलेज में। और जो हमसे हिसाब पूछ रहे हैं, हम उनको हिसाब बताते हैं, आज हिमाचल प्रदेश में 28 ऑक्सीजन के प्लांट लग चुके हैं, 28। उनसे जरा पूछे कितने वेंटिलेटर थे जब आप सत्ता में रहे। जब मैंने डॉक्टरों से पूछा, अपने अधिकारियों से पूछा, डॉक्टर ने कहा कि वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, हमने कहा कि वेंटिलेटर होंगे भाई, कहा कि बहुत कम है, हमने कहा कितने, बोलते बहुत कम है। मालूम पड़ा कि 30-32 वेंटिलेटर ही काम करते हैं हिमाचल प्रदेश में, पर आज हमारे पास हिमाचल प्रदेश में कितने वेंटिलेटर है, 850 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में। नेत्रों में आपका मेडिकल कॉलेज, हमारा कोविड सेंटर, कोविड के इलाज के लिए वहां पर काम करता रहा, अपनी सेवाएं देते रहा। हमने कहा कि और जगह जो काम को रहेगी, हमने इसके साथ में एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के अंतर्गत आपके ही नेरचौक के उस मैदान में जाकर के वहां पर हॉस्पिटल खड़ा किया, रातों रात खड़ा किया, कुछ महीने कुछ दिनों के अंदर तैयार करके उसको दे दिया। और आने वाले समय में वो 30-40 वर्ष तक आपके ही यहां पर जो है सुपर स्पेशलिटी के लिए उसका उपयोग होगा, जब कोविड नहीं होगा तो तब उसका इस्तेमाल होगा। हमने तो ये किया,
लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? वो तो यही कहते रहे कि आपको पैसा मिले, दिल्ली से मेरे दादा मिले, अपनी पार्टी को लूटने के लिए लगे रहे कि हमने पीपी किट बांटे, मास्क बांटे, हमने सैनिटाइजर बांटा, बिल बना करके दिल्ली भेज दिया कि हमने 12 करोड़ रुपए के जो है वो 12 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने खर्च किया और केंद्र से पैसा मांगा कि 12 करोड़ हमारे खाते में डाल दो। आप अंदाजा लगाइए, कल्पना करिए जरा, ऐसी सरकार को अगर मौका मिला होता केंद्र में या प्रदेश में तो क्या स्थिति होती। मैं उसके बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, जो अपनी पार्टी को ही लूटने से निपट रहे। इसलिए बहुत सारी बातें करने का मन था, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि अगले कार्यक्रम में हमको निकलना है। 3-4 चीजों का जिक्र यहां पर किया है मुझसे पहले, यहां पर उनको कैसे किया जा सकता है उनको करने की हम कोशिश करेंगे। एक तो यहां पर जो बात कही गई है कि यहां पर जो एनसीसी की एकेडमी खोलनी चाहिए, लेकिन इसका एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के अंतर्गत सबसे बड़ी बात है कि जमीन उपलब्ध होनी चाहिए, और जमीन का इंतजाम आप लोगों ने 20 बीघा किया है, यहां पर 20-25 बीघा जमीन का उपलब्ध करने का आपने किया है। फॉरेस्ट की क्लियरेंस अगर उसकी मिल जाती है, फॉरेस्ट की क्लियरेंस अगर आ जाती है तो उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। हमारी भी इच्छा है कि ये सारा काम आगे बढ़े, लेकिन उसकी फॉरेस्ट की जो टेक्निकल चीजें हैं उन टेक्निकल चीजों के दौर में से हमको गुजरना पड़ेगा। और उसी के अतिरिक्त यहां पर एक आप लोगों ने कहा कि बैना से नलसर बाय गागर सड़क जो है इसको 2 लेन करना चाहिए। मैं आपके बीच में इसके बारे में ज्यादा घोषणा नहीं करना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं ये प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोजेक्ट को हम सीआरएफ के तहत जो हम केंद्र सरकार के समक्ष भेजेंगे, और इसको 2 लेन करने की जरूरत हम भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ गाड़ियां बढ़ गई, तो इसलिए इसको भी आने वाले समय में इसको स्वीकृति के लिए भेजेंगे। और सीआरएफ के पैसा जब आकर के हमको मिलेगा तो निश्चित रूप से इसको भी 2 लेन के प्रोसेस में इसको आगे बढ़ा करके पूरा करेंगे। एक और बात यहां पर कही गई कि यहां पर गागर में हमारी पीएससी है और इस पीएससी का दर्जा बढ़ाना चाहिए, जबकि हालांकि मेडिकल कॉलेज बड़ा दूर नहीं है यहां से, नजदीक भी है, लेकिन मैं मानता हूं कि उसके बावजूद भी ये भी जरूरी है कि मेडिकल कॉलेज होने के लाभ आपको निश्चित रूप से है, लेकिन उसके बावजूद दूसरे जो हमारे जो स्वास्थ्य के संस्थान भी अगर हमारे खुलते रहेंगे, अच्छे चलते रहेंगे, तो मेडिकल कॉलेज का प्रेशर कम उसमें होता है। और इसलिए मैं पीएससी गागर को अब अपग्रेड करके सीएससी करने की यहां पर घोषणा करता हूं, ताकि आपके यहां पर इस सारी चीज को लेकर के स्वास्थ्य की और बेहतर सुविधाएं आपको उपलब्ध हों। एक और बात यहां पर कही गई है कि एक उप स्वास्थ्य केंद्र आपका राजगढ़ में है और वो वर्षों से चल रहा है वहां पर, उसको अपग्रेड करने की बात आ रही है। तो मैं इस हेल्थ सब सेंटर राजगढ़ को अपग्रेड करके इसको पीएससी करने की भी यहां पर घोषणा करता हूं। और ये हालांकि बड़ा दूर नहीं है, नजदीक है, बग्गी भी नजदीक है, राजगढ़ भी नजदीक है, लेकिन बल्कि पॉपुलेशन बड़ी घनी है यहाँ, तो इसलिए जस्टिफिकेशन के हिसाब से इसका देख लेंगे उस तरह से। एक और जो बात यहां पर कही गई है, जो यहां जो हमारा अटल आदर्श विद्यालय की बात कही गई है, मुझे मालूम पड़ा कि 23 बीघा जमीन आप लोगों ने यहां पर उपलब्ध करवाई है और उसकी क्लियरेंस वगैरह आपका मालूम नहीं क्या स्टेटस है। मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं, जैसे ही हमारी ये जमीन का स्टेटस क्लियर हो जाता है, इसकी क्लियरेंसेज हो जाती है, तो हम हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक अटल आदर्श विद्यालय खोलने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके यहां पर भी एक अटल आदर्श विद्यालय, अटल आदर्श विद्यालय का अभिप्राय समझे आप, शायद मैं करने का समझे नहीं होंगे। अटल आदर्श विद्यालय ऐसा हो गया जहां बच्चे आएंगे, हॉस्टल में ही रहेंगे और टीचर्स के लिए भी अकोमोडेशन अलग से वहां पर बनेंगी, और ये प्रोजेक्ट लगभग 40 करोड़ और 50 करोड़ के बीच में जाएगा, लंबा समय इसमें इसकी एक्सपेंशन के लिए लगेगा।
और उन बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को जो पढ़ने में अच्छे हैं उनको इसमें एडमिशन मिलेगी, उनको मौका मिलेगा पढ़ने का, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। जमीन का क्लियरेंस जैसे होता है उसके बाद हम निश्चित रूप से इसका काम भी करेंगे। एक और जो बात कही गई, जो हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने का बंगरोटू का है, वहां पर साइंस की क्लासेस का जो जिक्र किया है उसको भी मैं घोषणा करता हूं कि साइंस की क्लासेस वहां पर लगा देंगे ताकि वहां पर इस काम को भी पूरा किया जा सके। एक और यहां पर बात कही गई कि जो ग्राम पंचायत सेवली है और ग्राम पंचायत सकरोआ दोनों में कहा गया है कि यहां पर हमको वेटनरी डिस्पेंसरी चाहिए, तो दोनों जगह वैसे तो होनी चाहिए, मेरे ख्याल में होंगी, वेटनरी डिस्पेंसरी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो दोनों जगह वेटनरी डिस्पेंसरी, क्योंकि पशुधन बल विधानसभा क्षेत्र में बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो दोनों जगह वेटनरी डिस्पेंसरी में खोलने की बात भी करता हूँ। बाकी जहां तक बातें कही उन्होंने जो टमाटर का और उसके बाद दूसरी सारी चीजों को लेकर के कि यहाँ पर हमारे इसकी प्रोसेसिंग की यूनिट खुलनी चाहिए, इन सारी बातों को लेकर के हम निश्चित रूप से आने वाले समय में हम काम करते रहेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और एक और जो यहाँ पर एक निवेदन आया है कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घासू का नाम बदल करके, घासू का नाम बदल करके पुष्पराज, जो शहीद नायक पुष्पराज जो है उनके नाम पर किया जाए, तो इसके लिए मैं यहाँ घोषणा करता हूँ। शहीद पुष्पराज जी ने जहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत वीरता के साथ उग्रवादियों के साथ लड़ाई लड़ते हुए जो है शहादत हासिल की, उनको हम श्रद्धांजलि देते हुए इस स्कूल के लिए जो है ये जो हमारा घासनू का है, ये जो पाठशाला वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घासनू का नाम जो है पुष्पराज, शहीद नायक पुष्पराज के नाम पर हम इसको करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और यहां एक बात कही गई है, अब दो में से एक चीज होनी चाहिए, अब बिजली बोर्ड में मालूम नहीं क्या है, बिजली बोर्ड में बचा ही कुछ नहीं है, कहा जा रहा है कि भाई एक डिवीजन होना चाहिए, डिवीजन पीडब्ल्यूडी का हमने दे दिया, फिर बोलता और डिवीजन चाहिए, फिर बोलता कि आज एक कर तो अगली बार दूसरा और मांग लेंगे, तो ये जिस सारी बात को लेकर के यहाँ मुझे मालूम पड़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हमारे यहाँ 300 डिवीजन बढ़ते हैं, और नेर चौक जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वो अपने आप में एक पूरा सब डिवीजन का काम वहां पर इसके अंतर्गत है, तो इसलिए आपके बीच में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक डिवीजन आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का नेर चौक में हमको देखना सकते हैं, ताकि आपको आने वाले समय में अच्छी बिजली की यहाँ पर सुविधा मिल सके। यहाँ पंचायतें बनी होंगी, नई पंचायतें कितनी बनी है, 14 नई पंचायतें, नई बनी जा रही कि पुरानी की, नई पंचायतें 14 है, और जितने भी पंचायतें यहाँ पर 14 बनी हैं उन 14 पंचायतों को मैं 10-10 लाख रुपए देने की यहाँ पर जो है वो घोषणा करता हूँ, ताकि यहाँ जो है वो उनके लिए पंचायत घर जो है वो ठीक प्रकार से बन सके, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। एक और मुझे बीच में कहा गया है कि एक वरिष्ठ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पैड़ी के लिए कोई मैदान की बात कर रहे हैं, बार बार वो कह रहे थे स्टेडियम की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैदान वो स्टेडियम के लिए बात कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपके बीच में यहाँ स्टेडियम जो बनाना है उसके लिए अतिरिक्त जो है वो 10 लाख रुपए देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और उसके साथ में कुछ कहा गया कि यहाँ कुछ महिला मंडल आए हैं, हाथ खड़े करो बेटा, आए बहुत अच्छा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बोल रहे हैं कि आए हैं हाथ खड़े किए हैं तो बोलते हैं इनके लिए कुछ देना चाहिए, बोलते हैं कुछ शगुन करना चाहिए,
तो मैं जितनी महिला मंडल में गुजिश चाहिए हाजिरी के साथ फोटो के साथ देना, मेरे को कौन महिला मंडल हाजिर है कौन नहीं है, ऐसा मत कर देना कि भाई आपने कि भाई ऐसा ही जो घर बैठी महिला मंडल है वो भी उनको भी आप उस सूची में डाल दें। जितने महिला मंडल यहाँ आए हैं उनको मैं अपनी ऐच्छिक निधि में से सम्मानित करने के लिए, सम्मानित क्या सहयोग करने के लिए उनको जो है 10,000 रुपए देने की घोषणा करता हूँ। और इस मामले को लेकर के मेरा पुरुषों से भी निवेदन है कि आप ही ताली बजाइए महिला शक्ति जो शक्ति के लिए आगे बढ़ रही है। आज के कार्यक्रम में इतनी ही बात मुझे कहनी आप सबके बीच में, आप सब यहाँ उपस्थित हुए, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, वो ये कहना चाहूंगा कि जब जो परिस्थिति हो, जो भी हालात हो, जो भी परिस्थितियां हमारे सामने हो, लेकिन ये बल विधानसभा क्षेत्र साथ दिखना चाहिए, साथ दिखना नहीं चाहिए, साथ चलना चाहिए, कदम से कदम मिलाकर के साथ चलना चाहिए। अगर उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, उसमें कमी नहीं रहेगी तो हमारी तरफ से भी कोई कमी नहीं रहेगी, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में आप सब पहुंचे, आप सबका